हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्लॉसम कोचर अरोमा मैजिक नीम एंड टी ट्री फेस वॉश। ये फेस वॉश ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए बेस्ट है, बट अगर आपकी स्किन टाइप जो है वो ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, या नॉर्मल हो, या सेंसिटिव हो, और अगर आपको एक्ने या बहुत ज़्यादा ऑयलिंग की प्रॉब्लम होती है आपके फेस पे, तो आप किसी भी स्किन टाइप के हो, आप इस फेस वॉश को इजीली यूज़ कर सकते हैं। बात करें इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस है 90 रुपीज़, और जिसमें आपको प्रोडक्ट क्वान्टिटी मिलती है 50 ml की। साथ ही साथ पैकेजिंग पे प्रोडक्ट से रिलेटेड सभी डिटेल्स मेंशन किए गए हैं, जैसे कि प्राइस, एक्सपायरी डेट, इंग्रेडिएंट लिस्ट, यूज़ कैसे करना है, डिस्क्लेमर, सभी डिटेल्स मेंशन है। आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं। अगर इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात करें, तो इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके क्लेम की, क्योंकि ये क्लेम करता है कि ये आपके फेस के एक्ने को कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ आपके फेस का जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है, जो स्वेटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, उसे कंट्रोल करके रखता है। तो अगर बात करूँ एक्ने की, तो हाँ, ये आपके फेस के पिंपल और एक्ने को कंट्रोल करता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने इस फेस वॉश को बहुत यूज़ कर लिया है, ये फेस वॉश थोड़ा सा ही बचा है फिलहाल। ये फेस वॉश मुझे बहुत पसंद आया है, क्योंकि मेरी स्किन टाइप जो है वो नॉर्मल टू ऑयली है, गर्मियों में ऑयली ही रहती है, तो मेरे लिए ये फेस वॉश बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम होती है, तो आप इस फेस वॉश को एक बार ट्राई ज़रूर करें। अब अगर बात करें इस फेस वॉश को यूज़ करने की, तो क्योंकि ये एक फेस वॉश है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस फेस वॉश को यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल दिन में 2 बार फेस वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका फेस जो है वो क्लीन रहे, और आपके फेस पे कोई भी पिंपल, एक्ने, डार्क स्पॉट, या पिगमेंटेशन, या ब्लैक हेड, व्हाइट हेड की प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी हो। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप मेरे सभी वीडियोज़ देख सकें। बाय।